प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अब प्रधान के पद का चुनाव होने वाला है, इसलिए जो भी विकास की कार्य है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए स्थल चयन के साथ प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की समीक्षा की तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण में निर्मित सामुदायिक शौचालय की जियो टैगिंग किए जाने सहित साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए। उससे कुछ निकलता नहीं है तो ये सभी डीपीआरओ एडीपीआरओ फील्ड में जाएं, देखें और अभी से क्वालिटी इंश्योर करें। पंचायतों का इलेक्शन नजदीक है तो जो भी पैसा है और जो भी काम है प्रधान लोगों को भी जल्दी है कि खर्च करें और काम को कंप्लीट करें। अगले 15 दिन में आपको क्या करना है ये नोट कर लीजिए। सभी गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपोस्ट पिट खोला जा रहा है तो आइए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हर गांव में उचित स्थान पे कंपोस्ट के लिए गड्ढा बड़ा बड़ा तो तीन तरह खोदने की जरूरत हो उनका खुदवा दी जाए और एक अभियान चला जितना कूड़ा सड़क के किनारे गर्भ में नालू में है उनको ट्रैक्टर में डाल के और उस ट्रक में भर के ये काम हमें 15 दिन में किया जाता है तो इसको डायरेक्टरेट से डेनू विलेज वाइज मॉनिटर करता है उसमें नाली और गली पानी है उसको एक कुआं या नाली बनाते हुए जहां कुछ स्थान हो वहां ले जाकर इस तरह का तालाब या गड्ढा विकसित किया जाए जिसमें वो नाली जाके ताकि वो तरह काम कर वो दूसरे चरण में आ जाएगी। लेकिन ये सुनिश्चित